Good morning, students. Today we will read chapter 2 in history. Next video, choosing a place to live. Look at map 2 below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers. यानी यहाँ पे जो रेड ट्रायंगल्स वाली जो साइट्स हैं, जैसे कुरनूल के, झुमसी, भीमबेटका, यहाँ पे ये क्या है, साइट्स हैं. हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन ऑन द मैप. मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स. यानी ज़्यादातर जो साइट्स हैं वो कहाँ पे मिली हैं, नियर लेक एंड रिवर्स, जैसे नर्मदा रिवर, भीमबेटका, कुरनूल केव्स, कृष्णा रिवर. एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेज वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज इजिली अवेलेबल. यानी जहाँ पे गुड क्वालिटी के स्टोन मिलते थे, वहीं पे लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया. पीपल वेयर स्टोन वॉज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स. यानी जहाँ पे स्टोन मिलते थे और जहाँ से उन स्टोन से टूल्स बनाने जहाँ पे बनते थे उनको बोलते थे फैक्ट्री साइट्स. हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर. अब देखेंगे भाई कहाँ पे है ये फैक्ट्रीज. यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स टूल्स दैट वर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्डेड होता है रिमेन, यानी बचे हुए. बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड एट दीज साइट्स. यानी यहाँ पे कुछ जो सही शेप में नहीं बने थे जो टूल्स, उनको वहीं पे छोड़ दिया गया जो आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे मिले हैं. समटाइम्स पीपल लिव्ड हेयर फॉर लॉन्गर स्पेल ऑफ टाइम. यानी कई बार लोग यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक भी रहते थे फैक्ट्री साइट पर. दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स. यानी दोनों चीज़ें, जहाँ पे लोग रहते भी थे और स्टोन टूल्स भी बनाते थे, तो उनको बोलते थे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स. इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव इन, विच ऑफ द टर्म्स वुड यू चूज. यानी रहने के लिए किस चीज़ टर्म का यूज करेंगे, हैबिटेशन. ये जो फिगर है ये भीमबेटका है, जो कहाँ पे है, MP में, मध्य प्रदेश में है. भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश. सम साइट्स नोन एज हैबिटेशन साइट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल लिव. यानी यहाँ पे कुछ हैबिटेशन साइट्स मिली हैं जहाँ पे लोग रहते हैं. दीज इंक्लूड केव्स एंड रॉक सेंटर्स. यानी केव्स हैं, गुफाएं हैं या रॉक सेंटर हैं, सच एज द वन शोन हेयर. यानी ये जो एग्जांपल इसका, यहाँ पे केव्स में लोग रहते हैं. पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड वायलेंट. यानी सभी चीज़ों से अपना बचाव करने के लिए, जैसे रेन से, हीट से और विंड से. नेचुरल केव्स एंड रॉक सेंटर आर फाउंड इन विंध्याज एंड द डेक्कन प्लेट्यू. यानी डेक्कन वाला जो प्लेट्यू है यहाँ भी मिली है, और जो विंध्याज है उसके नॉर्थ में मिली है. दीज रॉक सेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली. जो नर्मदा वैली है ना, इसके पास में है ये जो नर्मदा वैली है. ये जो साइट्स हैं सारी भीमबेटका मध्य प्रदेश में है. यहाँ पर नेक्स्ट साइट, व्हाट इज साइट. साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स. यानी जहाँ पे कुछ जो थिंग्स हैं उनके रिमेन्स बचे हैं भाई, जैसे टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स वर फाउंड. या जहाँ पे टूल्स मिले हैं, पोर्ट्स, बर्तन वगैरह मिले हैं, मटके वगैरह, या बिल्डिंग्स मिले हैं. दीज वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल. यानी इन बिल्डिंग्स को, टूल्स को और पोर्ट्स को लोगों ने छोड़ दिया था. दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. यानी कहाँ पर मिले हैं, तो अर्थ के सरफेस पर मिले हैं, या फिर बुरिड अंडर द अर्थ, या फिर थोड़े अर्थ के जो सरफेस है उसके नीचे, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर. कई बार क्या है, पानी के नीचे भी ये मिले हैं. यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स. जो बाद वाले चैप्टर्स हैं उनमें हम बहुत सारी साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, कालीबंगन है, लोथल है, या अलग अलग स्टेट्स में, जैसे राजस्थान में जो फेमस है कालीबंगन.
हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट मेकिंग स्टोन टूल्स, यानी जो स्टोन टूल्स बनना स्टार्ट हो गए तो कैसे बनाते थे। स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स, यानी टू डिफरेंट टेक्निक से बनाए जाते थे स्टोन टूल्स। जो पहली थी जा द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन, यानी पत्थर से ही बनाए जाते थे दोनों। हेयर द पेबल, पेबल फ्रॉम विच द टूल वाज टू बी मेड ऑल्सो कॉल्ड द कोर वाज हेल्ड इन वन हैंड अनदर स्टोन विच वाज यूज एज ए हैमर, यानी एक को एक हाथ में एक पत्थर को दूसरे को एक हैमर की तरह यूज करेंगे, हथौड़े की तरह। वाज हेल्ड इन द अदर हैंड द सेकेंड स्टोन वाज यूज टू स्ट्राइक ऑफ फ्लैक्स फ्रॉम द फर्स्ट टिल द रिक्वायर्ड सेफ वाज ऑब्टेन्ड, यानी जो हमें सेफ जो भी हमें रिक्वायर होती थी उस टाइम के जो भी, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सेफ में वो बना देते थे, यानी स्टोन टू स्टोन। प्रेशर फ्लैकिंग हेयर द कोर वाज प्लेस्ड ऑन ए फिल्म सरफेस, एक जगह रख दिया जाता था स्टोन को। द हैमर स्टोन वाज यूज्ड ऑन ए पीस ऑफ बोन, यानी जो हैमर बना होता था किसका, या तो फिर स्टोन का या फिर पीस ऑफ बोन यानी हड्डियों का। दैट वाज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव फ्लैक्स दैट वुड बी सेफ्ड इनटू टूल्स, यानी तब तक उसको रिमूव किया जाता था जब तक कि उसकी जो भी रिक्वायर्ड सेफ उनको ना मिल जाए। इस तरह से जो एग्जाम्पल दे रखा है ना, हैंड ऑन हैंड। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, यानी फायर के बारे में कैसे पता लगा है आर्कियोलॉजिस्ट को कि उस टाइम पे लोग फायर का यूज़ भी करते थे। फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप टू, अभी देखेंगे कुरनूल जो केव है आंध्र प्रदेश में है। ट्रेसिस जो रिमेन्स हैं ऑफ एस हैव बीन फाउंड हेयर, यानी जो राख के अवशेष यहाँ पे मिले हैं अभी। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, तो इसी से आइडिया लगाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि उस टाइम पे जो ये पीपल वर फेमिलियर विद द फायर। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स, यानी जो फायर है उसका यूज किसी चीज़ में किया जाता था। एज ए सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के लिए। टू कुक मीट, मीट पकाने के लिए। एंड टू स्कार अवे एनिमल्स, और एनिमल्स को दूर भगाने के लिए, जो भी वाइल्ड एनिमल्स थे उनको दूर भगाने के लिए यूज किया जाता था फायर का। नेक्स्ट है चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता गया तो एनवायरनमेंट में भी काफ़ी चेंजेज आ गए। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वर मेजर चेंजेज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आ गए। विद ए शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस, यानी जो कंडीशंस थे वो क्या होने लगी धीरे धीरे गर्म। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड्स, यानी अगर ज़्यादा जो वार्म कंडीशन आ गई तो उससे ग्रास लैंड डेवलप हुई, जिनको हम पास्चर भी बोलते हैं। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शिप एंड कैटल, एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास, यानी जो भी ग्रास के ऊपर जो एनिमल जो डिपेंड होते थे उनकी जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, जो लोग इनका शिकार करते थे वो इनके पीछे पीछे जाने लगे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, और उन्होंने उनकी इन जो भी एनिमल्स हैं उनकी फूड हैबिट को जाना। एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स, और उनका ब्रीडिंग सीजन्स कब होता है, इन सब के बारे में उन्होंने जानकारी इकट्ठा की। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हार्डिंग एंड रियरिंग, और यहीं से किसकी स्टार्टिंग होती है हार्डिंग एंड रियरिंग, यानी वो जानवरों को पालने भी लगे। दीज एनिमल्स देमसेल्व्स फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट, यानी यहाँ पे इसी टाइम पे फिशिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। दिस वाज ऑल्सो ए टाइम वेन सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूड वीट, बार्ले, राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी इसी टाइम पे जो वीट, बार्ले और राइस नेचुरली ग्रो करते थे इन दिस सब कॉन्टिनेंट। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड एंड लर्न वेयर दे ग्रू एंड वेन दे राइप, यानी वो कब कहाँ उगते हैं और कब पकते हैं इनके बारे में भी लोगों ने
जानकारी ले. दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन. यानी इस टाइम तक अपने आप ही उगते थे. नेक्स्ट नेम्स एंड डेट्स. यानी जो नेम्स हैं, ये जो पीरियड है, ये सारा आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग. दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पेलियोलिथिक. यानी इसको बोलते थे जो स्टार्टिंग वाला पीरियड था उसको पेलियोलिथिक. दिस कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. यानी कहाँ से आया है? टू ग्रीक वर्ड से आया है. पेलियो मीन्स ओल्ड, लिथोस मीन्स स्टोन, यानी ओल्ड स्टोन एज. दिस नेम पॉइंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स. यानी ये जो टाइम पीरियड था पेलियोलिथिक का, ये किस इसमें क्या था, काफ़ी स्टोन टूल्स मिले. द पेलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो. 2 मिलियन टू 12,000 ईयर्स के बीच का जो टाइम पीरियड था वो था पेलियोलिथिक. दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक. यानी इसी टाइम पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लोअर, मिडिल एंड अपर. दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. यानी 99% जो हिस्ट्री है वो इसी पेलियोलिथिक उस टाइम पीरियड में कवर करती है. 99 इन अर्ली स्टोन एज. द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज कॉल्ड द मेजोलिथिक. यानी मिडिल स्टोन एज. यानी 12,000 टू 10,000 के बीच वाले जो टाइम पीरियड है उसको मेजोलिथिक या मिडिल स्टोन एज. स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी, छोटे होते थे, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स. माइक्रो का मतलब होता है छोटे, छोटा जो टूल्स होते थे. माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन्स. यानी अब इनके ऊपर जो ये टूल्स थे इनके हैंडल लगाना स्टार्ट कर दिया, या बोन के या फिर वुड के. टू मेक टूल्स सच एज साज एंड सिकल्स, जो आरी दराती वगैरह है वो बनने लगी. एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज. यानी जो पुराने जो टाइप के टूल्स थे उनका भी यूज लगातार यानी कंटिन्यू होता है. द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज नोन एज द नियोलिथिक. यानी जो नेक्स्ट जो टाइम पीरियड है थर्ड, वो है नियोलिथिक. यानी पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक. यू विल बी लर्निंग अबाउट द नियोलिथिक इन चैप्टर थर्ड में और देखेंगे. यानी न्यू स्टोन एज है. वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम्स ऑफ सम प्लेसेज. यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेज इन लेटर चैप्टर्स. वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेसेज वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट. यानी जो पहले जो लोग जा रहते थे, आज हम उन प्लेसेज को किस नाम से जानते हैं? बिकॉज वी डू नॉट नो वाट दे कॉल्ड देम. यानी हम आज अलग नाम से जानते हैं, पहले वो अलग नाम से जानते थे. नेक्स्ट रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस. मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स. यानी जहाँ पे जो रहते थे केव्स में, उनकी जो वॉल्स थी वहाँ पे पेंटिंग भी बनाते थे. सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश. जो ये भीम बेटका वाला है ना, ये एग्जाम्पल है साउदर्न उत्तर प्रदेश. दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल. यानी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके जो हंटिंग जो स्किल्स थी उस टाइम के जो लोगों की, वो इसमें दिखाई जाती थी. फॉर एग्जाम्पल ए पेंटिंग फ्रॉम ए रॉक सेंटर. इसलिए क्या हम शिकार कर रहे हैं किसी से. नेक्स्ट हु डिड वाट. वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड गैदर्ड प्लांट प्रोड्यूस मेड स्टोन टूल्स. यानी कौन कौन से काम करते थे? हंटिंग, गैदर प्लांट प्रोड्यूस, मेड स्टोन टूल्स,
and painted on gray walls. Is there any way of finding out whether women painted or men gather fruit and nuts? जो भी fruits जो collect करते थे वो कौन करते थे, men या women? At present, we do not really know. However, there are at least two possibilities. It is likely that both men and women may have done many of these things together. यानी ज़्यादातर जो काम थे वो साथ ही करते थे, men and women together. It is also possible that some tasks were done only by women and other only by men. यानी ये भी कह सकते हैं कि वो कुछ जो टास्क थे वो men करते थे, कुछ ही women करते थे. And again, there could have been different practices in different part of the subcontinent. यानी उस टाइम पे भी हो सकता है कि और जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वहाँ पे अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व हो सकते थे लोग. ऑस्ट्रिच इन इंडिया, यानी ऑस्ट्रिच जो शतुर्मुर्ग है, वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक पीरियड. यानी पेलियोलिथिक जो स्टार्टिंग वाला है ना, उस एज में लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग सेल्स वर फाउंड एट पाटने इन महाराष्ट्र. कहाँ पे? पाटने इन महाराष्ट्र. Designs were engraved on some pieces, while beads were also made out of them. यानी इनके जो eggs होते थे ostrich के, उनसे क्या बनते थे? Beads बनते, ornament बनते थे, यानी मन के वगैरह. Next, एक क्लोजर लुक हुंसी, जो कर्नाटका में है हुंसी. Find हुंसी on map टू देखेंगे. A number of early paleolithic sites were found here. At some sites, a large number of tools used for all sorts of activities were found. यानी यहाँ पे भी लार्ज जो क्वान्टिटी में मिले हैं टूल्स. दीज वार प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, यानी जहाँ पे टूल्स भी का भी प्रोडक्शन हो और लोग भी वहाँ पे रहते हो. तो इस प्रकार की जो साइट्स होती थी उनको बोलते थे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स. इन सम ऑफ द अदर स्मॉलर साइट्स देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट टूल्स वर मेड. यानी और भी कई जगह मिले हैं उसी के अलावा भी जहाँ पे टूल्स बनते थे. सम ऑफ द साइट्स वर क्लोज टू स्प्रिंग्स, यानी जो स्प्रिंग्स है ना, झरने वगैरह उसके आसपास मिली है. मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, यानी किसके बने होते थे ज़्यादातर टूल्स? लाइमस्टोन के, विच वॉज लोकली अवेलेबल, जो वहाँ पे लोकल में अवेलेबल होता था. लाइमस्टोन बोलते हैं हम चूने का जो पत्थर होता है ना उसको. अब ये जो एल्सवेयर का जो एग्जांपल है, ये फ्रांस की केव है, केव पेंटिंग है फ्रांस की, जो वहाँ के हंटर्स ने बनाई थी. एक बार मैप और देख लेते हैं कि कौन कौन सी साइट्स कहाँ कहाँ हैं. जैसे भीमबेटका है मध्य प्रदेश में है, ये जो इमाम गांव है, इमाम गांव महाराष्ट्र में है, ये जो कुरनूल केव्ज हैं ये तमिलनाडु में है, हुंसी जो है कर्नाटका में है, और जो बुर्जा होम है जम्मू कश्मीर में है, मेहरगढ़ है जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, बुर्जा होम कश्मीर, भीमबेटका एमपी, इमाम गांव महाराष्ट्र, हुसंगी कर्नाटका, कुरनूल केव्स तमिलनाडु. जो हल्लूर है ये भी कर्नाटका में है. ये द्वाजली जो हेडिंग है ये नॉर्थ ईस्ट में है असम. चिरांद है जैसे बिहार में है. कोल्डी हवा जो महागारा है ये कोल्डी हवा महागारा एमपी. ठीक है, ओके, थैंक यू.